मैं हूं कोडर सिंह और आज हम पढ़ेंगे एंड्रॉइड जेटपैक के कंपोनेंट रूम के बारे में। रूम एक परसिस्टेंट लाइब्रेरी है, वो एसक्यूएल लाइट का रैपर है। रैपर इन द सेंस कि एसक्यूएल लाइट की इम्प्लीमेंटेशन एंड्रॉइड के अंदर थोड़ी सी टफ थी, लेकिन गूगल वालों ने उसका एक रैपर क्लास बना दिया जिसका नाम उन्होंने रूम दिया है। सो उससे हमारा एसक्यूएल लाइट को एक्सेस करना, इंसर्ट डेटा इंसर्ट करना और डिलीट करना, कुछ भी क्वेरी डालना डेटाबेस के अंदर बहुत आसान हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इधर आएंगे, ये हमारा लास्ट प्रोजेक्ट जो हमने छोड़ा था ये वैसा ही है। हम ग्रेडल फाइल में आएंगे, आप लेवल ग्रेडल फाइल में आएंगे, जो 3 लाइन का कोड है यहाँ पे फिर से, जो मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, जो डिपेंडेंसीज के अंदर आएगा। ये 3 लाइन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये तीन ये जो लाइन है ये गूगल की ही लाइब्रेरीज हैं, मतलब ये जो लाइब्रेरीज है गूगल की लाइब्रेरीज हैं। एंड इसमें से हम एक और चीज़ करना है, हमें एक अप्लायर प्लगइन करना है हमको फॉर कॉटलिन केपीटी, जो हमने यहाँ पे केपीटी किया है इसको यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। दिस इज एक्सपेक्टेड डेफ एंको वर्जन दिस। ये जो तीन ये जो दो लाइनें हैं ये एंड्रॉयड का एसिंक्रोनस टास्क के लिए है, तो मैं ये दोनों लाइन में डाल दूंगा। टोटल ये 5 और ऊपर 1-6 लाइन में डाल दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन। इसको सिंक कर लेते हैं, इसमें कुछ एरर आया, एक बार इसको क्लीन करके सिंक कर लेंगे। फाइनल सिंक हो गया है। मैंने ऑलरेडी एक यूआई बनाया था हमारी फ्रेगमेंट फर्स्ट पे, तो आप ऐसा ही एग्जैक्टली सेम कर लेना। इसका मतलब समझा देता हूँ, इसके अंदर नेम, इसके अंदर एज, इधर से ऐड होगा और इधर से गेट होगा हमारी फाइल। और एक हम इसका हमने कंस्ट्रेंट नहीं लगाया है, और एक हम यहाँ पे लिस्ट व्यू डाल देते हैं कि हमारा जो भी हम एंट्री कर रहे हैं अपने डेटाबेस के अंदर वो यहाँ पे आता रहे। इसके भी हम कंस्ट्रेंट्स फटाफट लगा देते हैं। पर्सन लिस्ट, सो अब हम सीधा आ जाते हैं फॉर द डेटा बेस। ये एक क्लास बनाई है मैंने, कॉटलिन क्लास बनाई है मैंने, न्यू पे जाके कॉटलिन फाइल एंड क्लास पे क्लिक किया तो ये क्लास बन जाती है। इसके अंदर हम अपना सारा डेटाबेस का कोड लिखेंगे, बट मैं एडवाइस करता हूँ कि आप जो अलग मैं डिफरेंट सारी क्लासेस एक के अंदर डालूंगा, क्लासेस एंड इंटरफेस, बट मैं एडवाइस करूँगा कि आप जो डिफरेंट फाइल्स बनाए उनके लिए, क्योंकि एक फाइल को एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहती। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इट विल सेव माई टाइम, मतलब थोड़ा सा टाइम बच जाएगा मेरा, तो और जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हमें जल्दी समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली एंटिटी जो है इस कि हम टेबल बना रहे हैं, क्रिएट टेबल जैसे होता है वैसे हम एक एंटिटी, मतलब कि क्रिएट टेबल का इसका मतलब क्रिएट टेबल ही होता है। तो हम यहाँ पे बनाएंगे डेटा क्लास, डेटा क्लास पर्सन। इसके अंदर फर्स्ट चीज जैसे हम लगते थे प्राइमरी की, तो यहाँ पे भी प्राइमरी की है। ऑटो जनरेटेड मीन्स ऑटो इंक्रीमेंट समझ लीजिए, ट्रू। हम देंगे वेर आईडी लॉन्ग, नलेबल। नलेबल इसलिए क्योंकि हम इसके अंदर हमेशा नल वैल्यू पास करेंगे इंस्टेड ऑफ कोई वैल्यू, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑटो जनरेट करेगा हमारे लिए। एंड सेम थिंग यहाँ पे नेम, हम नेम क्या देना चाहते हैं, यहाँ पे नेम होगा वेर नेम स्ट्रिंग, यहाँ पे अगेन कॉलम इन्फो, कॉलम का नाम नेम एज, यहाँ पे फटाफट वेर एज एंड। अब हम इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, आई होप आप कॉटलिन के सिंटैक्स से फेमिलियर हैं, अगर नहीं है तो ये हमारा, अगर हम इसको मैं जावा में लिखता तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लेता, बहुत ज़्यादा लाइन लेता, लेकिन ये कुछ ही लाइन के अंदर हो गया। सो कॉटलिन का ये बहुत फ़ायदा है।
और मैं सबको यही एडवाइस करूँगा कि अब आप अभी जो है हम लोग कॉटलिन पे शिफ्ट हो जाए, क्योंकि व्हाट अकॉर्डिंग टू मी ऐसा नहीं कि फिक्स्ड है, मेरे हिसाब से जावा का फ्यूचर कोई नहीं है। और लेकिन है, जिसको पसंद है वो आज भी जावा में कोड लिखता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है मोस्टली कॉटलिन पे शिफ्ट हो रही है। सो एंड बिकॉज ये कोड कॉम्प्लेक्सिटी कम है एंड ये इसका जो कंपाइलेशन टाइम है, एंड्रॉयड कह रहा है कि वो कंपाइलेशन टाइम एंड जो एग्जीक्यूशन टाइम ऑन एंड्रॉयड है वो भी बहुत कम कर देगा। सो डी ए ओ क्या आता है, कम बैक टू दिस, डी ए ओ आता है कि हमारी जितनी भी क्वेरीज है, इंसर्ट सेलेक्ट डिलीट जितनी भी क्वेरीज है हम इसके अंदर लिखेंगे। लाइक अभी हम लिखेंगे सिर्फ क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन। सो अब हम आ जाते हैं एक, अब ये करने के बाद नीचे हम फंक्शन का नाम देंगे गेट ऑल क्या रिटर्न करेगा, हमको एक लिस्ट रिटर्न करेगा पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ। एंड इसके बाद हम लिखेंगे इंसर्ट क्वेरी इंसर्ट एंड सीधा हम फंक्शन इंसर्ट डेटा। इंसर्ट जो डेटा होगा हमारा पर्सन ऑब्जेक्ट होगा पर्सन क्लास का। सो इट इज वेरी इट इज दैट इजी। एंड इंसर्ट के अंदर एक चीज़ आती है ऑन कॉन्फ्लिक्ट। ऑन कॉन्फ्लिक्ट मीन्स अगर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है डेटा डालते हुए तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे। सो ऑल्ट एंड ये हमें देना है ये ऑल्ट रिप्लेस वाला ये प्रॉब्लम आया फिर से कहते हैं सॉरी एंड्रॉयड आर्क परसिस्टेंट रूम ये वाला लेना है हमें, और जेट ब्रेन्स वाला नहीं लेना है। सो हमने अभी ये बना दिया। अब हम बनाते हैं, ये हो गया हमारा टेबल बनाना, ये हो गया हमारा क्वेरी रन करना, अब आता है हमारा टेबल को कनेक्ट करना। मैं आपको माई एस क्यू एल और समझ लो पी एच पी के हिसाब से समझा रहा हूँ कि हम कैसे कनेक्ट वैसे करते हैं डेटा बेस। अब हम डेटा बेस पर आ जाते हैं एंटिटीज़ इस डेटा बेस के अंदर, एंटिटीज इन द सेंस कि कौन कौन सी क्लासेस हम इसके अंदर डाल रहे हैं। सो हम एरे बनाते हैं पर्सन क्लास डाल रहे हैं इसके अंदर हम। ये एक डेटा बेस है, ये जो एंटिटी है वो एक टेबल है। सो कंफ्यूज मत होना क्योंकि एक डेटा बेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स आते हैं, तो सिमिलरली इसके अंदर भी सेम चीज़ हो रही है। सो अभी हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास पर्सन डेटा, इसको हम रूम डेटाबेस से एक्सटेंड करेंगे। अभी हम एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाएंगे पर्सन डी ए ओ का, जो हमने ऊपर लाइब्रेरी इंटरफेस बनाया पर्सन डी ए ओ डेटा डी ए ओ। अब हम कंपेनियन ऑब्जेक्ट बनाए, कंपेनियन ऑब्जेक्ट मीन्स जावा के हिसाब से ले तो स्टैटिक जितनी भी चीज़ें होती है वो समझ लो कंपेनियन ऑब्जेक्ट इसके अंदर वो बनता है। वेयर इंस्टेंस इज इक्वल्स टू पर्सन डेटा पर्सन डेटा बेस सॉरी यहाँ पे हमें डेटा बेस कर देता है इसको। डेटाबेस तो हमने इसका बना लिया है एंड इसको हम नल इनिशियलाइज करना पड़ेगा हमको। इसके बाद आते हैं हम एक फंक्शन बनाएंगे गेट इंस्टेंस। इंस्टेंस मीन गेट गेट इंस्टेंस ऑफ द डेटाबेस। लाइक हम कनेक्ट करते हैं तो सिमिलरली गेट इंस्टेंस ऑफ द डेटा बेस ये हमको रिटर्न करेगा पर्सन डेटा बेस, नल भी हो सकता है तो हम इसको नल कर देंगे। इफ इंस्टेंस
इज इक्वल टू नल, ये सिंगल टनल मेथड है कि क्योंकि हमें बार बार वो नहीं बनाना है कि एक इंस्टेंस हम बार बार एक लाइब्रेरी को नहीं दे सकते हैं। रूम डेटाबेस बिल्डर सी डॉट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट पर्सन डेटाबेस क्लास जावा, यहाँ पे हम लिख देंगे डेटाबेस का नाम पर्सन, पर्सन डॉट डी डी बी, कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग है कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने ऐसे लिखा है। एंड डॉट बिल्ड, अब हम इसको नीचे जो है रिटर्न कर देंगे इंस्टेंस। सो अब आप लोगों को समझ में आया है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। सो पहले हमने टेबल बनाया, टेबल बनाने के बाद हमने सारा क्वेरीज का लिखा, और क्वेरीज लिखने के बाद हमने इसको इधर से हमने लिंक करने का, डेटाबेस से लिंक करने का वो कर दिया। और जैसे आता डेटाबेस क्लोज वैसे ही होता फन डिस्ट्रॉय इंस्टेंस, जैसे हम हमेशा उसके अंदर अपना डेटाबेस बंद करते थे, इसके अंदर सिमिलरली हमें डेटाबेस बाद में बंद करना पड़ेगा फॉर मेमोरी लीक ना हो। सो अभी हमारा सब कुछ बन चुका है, नाउ फर्स्ट फ्रेगमेंट पे जाते हैं। इधर अगेन हमारा सारा काम ऑन व्यू क्रिएट के अंदर होगा, ऑन व्यू क्रिएटेड सॉरी। अभी जो है हम इसके अंदर जेट ब्रेन स्कॉटलैंड का एसिंक्रोनस लाइब्रेरी यूज करेंगे, एसिंक यू आई वेल इंस्टेंस बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मीन्स बैकग्राउंड में रन होगा ये बी जी, इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं बी जी। अभी हम क्या चाहिए, हमें पर्सन डेटाबेस से इंस्टेंस चाहिए, गेट इंस्टेंस दिस एट द रेट फर्स्ट फ्रेगमेंट कॉन्टेक्स्ट नॉट नल। अभी जो हम इंस्टेंस का अवेट करेंगे, अवेट मीन्स वी विल वेट कि जब तक वो एसिंक टास्क के हमारा मेन थ्रेड पे नहीं आता, जैसे ही वो हमारे मेन थ्रेड पे आएगा उसको हम अपना एक वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पे प्राइवेट वैर डी वी इंस्टेंस पर्सन पर्सन डेटाबेस नल। यहाँ पे आके हम इसको हम लिंक इसको हम डी बी इंस्टेंस दे देते हैं। डी बी इंस्टेंस मिलने के बाद हम ऑन क्लिक लिस्ट सेट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड पे, ऐड का हमारा क्या था, हम आईडी देख लेते हैं, ऐड का था बटन 3, इसका था बटन 4, इसका डिटेक्स्ट डिटेक्स 2 और ये पर्सन लिस्ट, ठीक है। फर्स्ट फ्रेगमेंट पर आ जाते हैं, बटन 3 सेट ऑन क्लिक लिसनर, इसको हम यहाँ पे हम कर देते बटन 4। अगेन ये जितनी भी क्वेरीज हैं ये जो बैकग्राउंड थ्रेड पे ही रन होती है, अगर आप इसको मेन थ्रेड पे रन कर दोगे तो ये आपको एरर दे देगा, क्योंकि रूम हमेशा बैकग्राउंड थ्रेड पे ही वर्क करता है, लेकिन आपको वो मेन थ्रेड पे चलाना है इसको, विच इज़ नॉट रिकमेंडेबल बाय मी एज वेल एज गूगल, मतलब कि बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते हैं। तो मैं भी उसका तरीका बता दूंगा आपको आफ्टर द एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो एसिंक यूआई, अभी जो है हमें इसके अंदर ऐड करना है, ये एडिंग का है, तो हम पहले इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, नेम एडिट टेक्स्ट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग ट्रिम, सिमिलरली हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं एज, यहाँ पे हम कर देंगे टू इंट, बहुत बहुत हेल्प
मिलती है कॉटलिन के अंदर, ऐसी चीज़ें लाइक एक्सटेंशन फंक्शन, उनको एक्सटेंशन फंक्शंस कहते हैं हम लोग. सो नाउ अब हम एक पर्सन क्लास का वो बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं, पर्सन नल नेम एज. अब हम इसको यहाँ पर बैकग्राउंड में कॉल करेंगे, वेल इंसर्ट बीजी db instance person dao insert data p. as you can see हमारा इतनी देर में ही, इतनी छोटी सी लाइन में ही काम हो गया, लेकिन पहले हमको काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती थी इसके अंदर. await जो है, अब हम इसके नीचे एक कर देते हैं अपडेट इंसर्ट मैसेज को हम बना लेते हैं, ऑल्ट एंटर मार के क्रिएट फंक्शन इंसर्ट मैसेज. हम यहाँ पे एक टोस्ट दिखा देंगे, मेक टेक्स्ट दिस डेटा इंसर्टेड toast length long dot show. इसका हम कॉन्टेक्स्ट कर देते हैं, वहां पे वो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट रहता है और हमने वहां पे एक्टिविटी पास कर दी. देन सिमिलरली हम इसके अंदर इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देंगे, ये है फेच करने का. सो यहाँ पे लिख देते हैं ppch फेच, गेट ऑल, ये हमें लिस्ट ऑफ पर्सन देगा, इसको हम बंद कर देते हैं, पॉपुलेट लिस्ट फेच डॉट अवेट. ये हमने इसके अंदर एक पैरामीटर पास कर दिया जो इसको रिटर्न करेगा. डेटा लिख देते हैं हम यहाँ पे, लिस्ट टी रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा, चेक कर लेते हैं इफ डेटा जो हमारी लिस्ट है नल है तो हमको मैसेज दिखा देगा ये टोस्ट. No data. और हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे कि हम नीचे वाला फंक्शन जो नीचे का स्टेप्स है वो एग्जीक्यूट ना हो. सो अभी हम एक एरे अडैप्टर बनाएंगे, अडैप्टर एरे अडैप्टर पर्सन का दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट फिर एंड्रॉइड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट सिंपल लिस्ट आइटम टू एंड्रॉइड डॉट आई डी डॉट टेक्स्ट android.r.id sorry. Next one. And यहाँ पे हम लिस्ट डाल देंगे अपनी डेटा अभी हमको इसको सेट करना है तो अभी हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट हम कंट्रोल एंटर पकड़ के ओवरराइड मेथड्स पे क्लिक करेंगे
और हम करेंगे गेट व्यू, सर्च करेंगे गेट व्यू मिल जाएगा हमें इसका। हम रिटर्न की जगह वैल वी लिख देंगे, हम व्यू ले लेंगे इसका जो डिफॉल्ट व्यू देता है हमको, ये वैल वी इक्वल टू दिस रिटर्न वी वी डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी टेक्स्ट व्यू। r.id.android.r.id.text1 dot text equals to हमारा well person का data का position, पोजीशन जो है इसके अंदर हमको यहाँ से मिल रही है। कभी आप सोच रहे हो कि पोजीशन कहाँ से आएगी, पोजीशन हमें यहाँ से मिल रही है। सो अभी हम जो पी है यहाँ पे हम इसका नेम डाल देंगे, ये एक पर्सन क्लास का इंस्टेंस बन चुका है, इसको हम कट कॉपी कर देते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट टू करके एज कर देंगे, टू स्ट्रिंग कर देते हैं क्योंकि वो इंटीजर है। और ये अडेप्टर हम सेट कर देते हैं पर्सन लेस डॉट अडेप्टर अडेप्टर। सो एक बार रन करके देख लेते हैं, लेट्स होप कि चल जाए। यस फाइनली हमारा लोड हो गया है। आप फर्स्ट फ्रेगमेंट पर आते हैं। यस अभी हम नेम लिखते हैं यहाँ पे, मेरे कोडर एज 20 ऐड कर देते हैं, डेटा इंसर्ट कर देते हैं, गेट कर देते हैं, कोडर आ गया। अभी हम दूसरा नाम डालते हैं सपोज सहज 26 ऐड डेटा इंसर्ट, एक और नाम डाल लेते हैं विशाख 29 गेट। सो ये हमारा डेटा यहाँ पे आ रहा है। अभी हम सेकंड फ्रेगमेंट घूम फिर के फिर से यहाँ पे आते हैं और गेट करते हैं तो हमारा डेटा यहाँ पे है। सो ये फ़ायदा है एसक्यूएल लाइट का। सो मैं आपको बताने वाला था कि आप कैसे उसको डायरेक्टली रन कर सकते हैं विदाउट एसिंक यूज़ करके। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अलाओ मेन थ्रेड क्वेरीज, अगर हम इसको एंटर मार दें तो हम मेन थ्रेड पे रन कर सकते हैं। सो रूम हो गया हमारा, नाउ नेक्स्ट में हम व्यू मॉडल पढ़ेंगे। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।